तो ये देखिए हमारी जो आलू और पत्ता गोभी की सब्जी जो बनी है कितनी बढ़िया बनी है, और इसका टेक्सचर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने बंद गोभी को रफली इस प्रकार से चॉप कर लिया। ये हमने आधी बंद गोभी लिया है और लगभग 5 से 6 हमने आलू लिया मीडियम साइज के। उसे हम कुकर में डालेंगे। इन सारे पत्ते और आलू को हमने छील के निकाल के काट के इसे अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हम कुकर में यहाँ डालेंगे। कुकर में डालने के बाद थोड़ी सी हम पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा पत्ता गोभी पानी छोड़ता है। तो अब हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि ये जल्दी पक जाए। और इसे मिड फ्लेम पे ये लगभग 4 से 5 सीटी हम लगाएंगे, ये अच्छे से पक जाएगा। हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है इसे। तो हम यहाँ चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तब जो हमने इसमें सामग्री इस्तेमाल किया है, तो प्याज हमने 2 लिया है, 2 बड़ी साइज़ का टमाटर और कुछ मटर के दाने। तब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन हमने 1 छोटी चम्मच डाला है। उसके बाद हरी मिर्च को हमने इस प्रकार से चीरा लगा के इसमें डाला है और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तो प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ का लिया है फ्रेंड्स। तो ये जो मात्रा है, जनरली जो बंधा गोभी का साइज होता है वो आधा बंद गोभी हमने लिया है। तो प्याज डालने के बाद हम इसमें यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक आप उसी हिसाब से डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने आलू और बंद गोभी को जो उबालने के लिए हमने डाला है उसमें भी ऑलरेडी हमने नमक डाला है। तो ये देखिए प्याज हमारा पक गया है। तो हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को हमने बड़े बड़े साइज में रफली चॉप किया है। इस प्रकार से चॉप करने के बाद इस प्रकार की सब्जी में बहुत ही बढ़िया इसका टेक्स्चर आने वाला है। तो हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हम ढक्कन हटाएंगे, उसके बाद इसे चलाएंगे और कलछू को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने ग्राइंड करके इसमें डाला है। तो टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब इसे यहाँ पे डालें। तो ये देखिए हमारा टमाटर भी बिल्कुल पानी छोड़ दिया है और ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा टमाटर पका। अब हम यहाँ मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर, सारे मसाले को हमने 1-1 चम्मच इस्तेमाल किया है। अब मसाला कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इतना मात्रा के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए मसाला भी हमारा भुन गया है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे थोड़ी सी मीट मसाला ऐड करेंगे हम। अब मीट मसाला नहीं है तो सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि मीट मसाला आप डालेंगे तो ये बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो मसाले डालने के बाद फाइनली हमारा ये देखिए अच्छे से भुन गया मसाला। तो अब हम यहाँ पर मटर के दाने ऐड करेंगे, जो कि इस रेसिपी का स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम मटर के दाने डालने के बाद अब हम यहाँ पे उबले हुए आलू और बंद गोभी को जो हमने उबाला है तो दोनों को एक साथ डालेंगे। ये देखिए पानी भी बिल्कुल इसका लगभग बराबर हो गया है। तो थोड़ी बहुत इसमें पानी हो गई तो उसे भी हम डाल देंगे एक ही साथ। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो सारे हमने पत्ता गोभी और आलू को डाल दिया है इस कढ़ाई में और अब हम इसे हल्के हाथों से इसे चलाएंगे हल्के हल्के, और इसे कलछुक में मदद से हल्का प्रेस भी करते रहेंगे ताकि ये जो हमारा आलू और बंद गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो सके और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा मैश कर देंगे तो ये अच्छे से मिल भी जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो पानी हमने थोड़ी सी ऐड करके यहाँ पे इसे लगातार इसे चलाया है और इसे लगभग
उबाल आने तक लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे इस प्रकार की सब्जी आप बना सकते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे हरा धनिया का पत्ता ऐड कर लिया है, इससे थोड़ी सी सब्जी का जो स्वाद है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वैसे भी सर्दियों के दिनों में सब्जियों में हरी धनिया ना हो तो फिर सब्जी खाने का मज़ा नहीं है। तो ये देखिए फाइनली हमारा पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारा सब्जी बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।